तफसील के साथ अपनी बात रखूं। सबसे पहले तो यह नोट कीजिए कि हमारे दीन में जिहाद की अहमियत क्या है। बिलखुसूस आज के मौजू के एतबार से अगर दीन का गलबा चाहते हो तो जिहाद करो, साबित हो गया। नहीं करते हो तो जहन्नुम से छुटकारा पाने का ख्याल भी तुम्हारी खाम ख्याली है। सवाल क्या है? या अय्युहल लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये नहीं कहा कि अहले ईमान क्या तुम्हें वो कारोबार ना बताएं जो जन्नत के आला तरीन दर्जों तक पहुंचा दे। कहा ये तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से छुटकारा पाना चाहते हो तो लाज़िम। इसी तरीके से जैसे मैंने सूरह तौबा की आयतें आपको कल सुनाई थी, हम मजमून युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिम वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्क लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। उससे चंद आयतें पहले की एक अजीम आयत नोट कर लीजिए, यहां जिहाद का मुस्बत हुक्म और वहां जिहाद से एराज की सजा। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। अभी आप नज़म सुन चुके हैं ना, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता वो पैवंद बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मालो दौलत दुनिया और रिश्ता वो पैवंद, ए नबी इनसे कह दीजिए अगर तुम्हें अपने बाप और अपने बेटे और अपने भाई और अपनी बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और अपने रिश्तेदार और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं और वो तिजारत जिसके कसाद का मंदे का तुम्हें अंदेशा रहता है और वो बिल्डिंगें जो तुम्हें बड़ी पसंद हैं बड़े चाव से बनाई हैं, अगर ये आठ चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से, जाओ दफा हो जाओ, फतरबसू जाओ, इंतजार करो बैठो हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे नाहंचारों को हिदायत नहीं देता। किसी और दलील की जरूरत है? जिहाद का लुजूम